हाय गाइस, वेलकम टू एसआरपी टीवी अपडेट। आज मैं आपके लिए मैडम से रिलेटेड अपकमिंग ट्विस्ट और एक अपडेट लाया हूँ। अपडेट देने से पहले मैं गाइस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमें कमेंट कीजिए आपको मैडम से रिलेटेड किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अब हम बात करते हैं अपडेट की। तो गाइस, अपडेट ऐसा है कि जो अभी हॉस्पिटल वाला जो बच्चा गुम हो गया है, वो जो केस चल रहा है, उसके बाद जो न्यू केस आने वाला है वो रहेगा ड्रग्स रिलेटेड। हाँ गाइस, और इस ड्रग्स के केस में फंसेंगी कोई और नहीं, आप सबकी फेवरेट हसीना मलिक। उनकी जो गाड़ी है जो सरकार ने उन्हें दी है SHO का जो पत्र रहता है उसके लिए, तो उसके अंदर ड्रग्स मिलेगा। तो जैसे कि सबको पता ही है, जहां ड्रग्स का नाम आता है वहां पे मीडिया तो पहुंच ही जाती है, तो उधर भी मीडिया आ जाएगी और जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाएंगे और उससे थाना बंद होने की नौबत आ जाएगी। और उसी बीच करिश्मा सिंह और DSP सर दोनों आएंगे और उन्हें न्यूज़पेपर दिखाएंगे जिसमें लिखा रहेगा कि SHO हसीना मलिक की गाड़ी से मिली ड्रग्स। वो दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे, आप ऐसा क्यों कि आप चुप क्यों है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो हसीना मलिक वहाँ से बोल के निकल जाएगी, एक्सक्यूज़ मी। यही आने वाले कुछ एपिसोड में होने वाला है और एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हसीना मलिक ड्रग्स मामले में फंसी है, करिश्मा सिंह और DSP सर को कुछ पता नहीं है, लेकिन हसीना मलिक के उसके पीछे कोई मोटिव है, कोई मिशन पे है या वो कुछ गैंग को पकड़ना चाहती है इसके ज़रिए, तो यही आने वाले हमको एपिसोड में दिखेगा। और जो मैं कह रहा हूँ प्रोमो आया है, तो गाइस ये प्रोमो हम लोग को पता चल गया है, कुछ दिन में आप लोग को भी वो प्रोमो दिख जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। अगर नहीं कुछ दिन में आया तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो न्यू प्रोमो। तो गाइस, यही थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट, यही न्यू ट्विस्ट आएगा ये हॉस्पिटल जो बच्चा गुम है उसके बाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करना तो हमारे चैनल को भूलिएगा ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंस अगेन बाय बाय।